लखनऊ के चिड़ियाघर में भी जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास व्यवस्था की गई है। जानवरों के लिए कूलर और स्प्रिंकल लगाए गए हैं। इसके साथ ही जानवरों की डाइट में भी बदलाव किया गया है ताकि जो चीजें, जो फ्रूट्स उन्हें दिए जाने चाहिए गर्मियों में, उनका सेवन जो है वो जानवरों को ज्यादा से ज्यादा कराया जा सके। गर्मी हम चिड़ियाघर के अंदर मौजूद है और सामने आप देख सकते हैं चीतल का बाड़ा है और कैसे स्प्रिंकलर मशीन चल रही है, पानी का फुव्वारा यानी इस मशीन से फेंका जाता है ताकि गर्मी के इस भयानक एहसास में कहीं कुछ ये जो बौछारें हैं ये चीतल पर पड़े और लेकिन चीतल भी देखिए कैसे शेड्स में जाकर बैठे हुए हैं। कितनी तादाद में चीतल है जो शेड्स में जाकर बैठे हैं। बाड़े के अंदर 2-3 जगह स्प्रिंकलर चल रहे हैं लेकिन ये चीतल बाड़े में जाकर बैठे हैं इस तेज तपती गर्मी से बचने के लिए। इसी तरह चिड़ियाघर में बाकी जगह भी इसी तरह इंतजाम किया गया है ताकि इस तरह के जो सेंसिटिव जानवर हैं इन्हें बचाया जा सके गर्मी से। कई सारी परेशानियां हैं गर्मी से जो पैदा होती हैं, तबीयत खराब हो जाती है, कई बार कुछ बीमारियां हैं जो लग जाती हैं इस तरह के सेंसिटिव जानवरों को। और इन वन्य जीवों को बचाने के लिए इस तरह के पक्के शेड्स पहले ही बनाए गए हैं। कई जगह भूस भी रखी गई है, आप देख सकते हैं नीचे घास डाली गई है ताकि वो थोड़ी ठंडी रहे। और प्राकृतिक तौर पर ये देखिए आप स्प्रिंकलर मशीन चलती हुई नज़र आ रही है आपको। चारों तरफ बाड़े में स्प्रिंकलर मशीन से पानी जो फव्वारों की जो बौछार है वो फैलाई जा रही है ताकि इस चिलचिलाती गर्मी में इन जानवरों को थोड़ा सा अच्छा एहसास हो पाए यानी। लेकिन ये भी शेड्स में बैठे हुए हैं और इतनी तगड़ी इतनी कड़कड़ाती धूप में ये भी पूरी